आज का क्वेश्चन है लक्ष्मी सिंह का। इन्होंने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि मेरा 43 केजी वेट है, सर क्या होगा, रिप्लाई दें। साथ ही कमेंट में उन्होंने ये भी लिखा है, वेट पर वीडियो बनाइए भैया प्लीज़, अच्छा से जानकारी लेकर बनाइए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेट पर, कितना कम वेट हो तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है और कितना अधिक वेट हो तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो ये नोटिस मैंने CSVC के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं CSVC के ऑफिशियल साइट पे जाकर, ठीक है ना। कई वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको नीचे चले आना है। आप गांव में देखें वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी आपको बताया जा रहा है कम से कम 48 किलो होना चाहिए, अधिक का कोई यहाँ पर नहीं बताया गया है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, देखिए आपका वेट कितना भी हो, पहले तो मैं जिसका वेट ओवर है, ज़्यादा वेट है उनके बारे में बात करूँगा। जिसका वेट ज़्यादा है, 48 केजी से ज़्यादा है, तो कोई मायने नहीं रखता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाई जंप, गोला फेंक है ना, और रनिंग ये कंप्लीट कर लेते हैं तो है ना, इसमें अच्छे नंबर ले आते हैं, तो आपका कोई मायने नहीं रखता, चाहे आपका कितना भी वेट हो, क्यों ना हो, है ना। क्योंकि आपको भी पता होगा जिसका ज़्यादा वेट होता है उसे रनिंग में है ना, हाई जंप में बहुत प्रॉब्लम होता है, बेशक वो गोला ज़्यादा फेंक लेते हैं लेकिन इन सब में प्रॉब्लम होता है। तो ओवर जब वेट भी ज़्यादा होता है तो भी आपको इन सब को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, है ना। तो ये था उनके लिए जिनका वेट ज़्यादा है, तो आप को भी मेहनत करना होगा है ना, और अपना डाइट देख लेना है कैसे क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनका वेट कम है, तो देखिए 48 केजी कम से कम मांगा, अगर इससे भी कम है आपका, यानी 2 किलो 3 किलो कम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो, इससे ज़्यादा नहीं, इतना अगर कम है तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, आपको ऐसा नहीं है कि आपका हाई वेट कम है तो आपको निकाल देंगे तुरंत, वो कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि हम सिलेक्ट कर लें। तो वो आपको खाने के लिए बोलेंगे, पीने के लिए पानी वानी वगैरह पीने के लिए, मतलब कुछ बोलेंगे, एडवाइस दे देंगे कि आप जल्दी से कुछ खा पी लो है ना, ताकि आपका मैक्सिमम 48 केजी हो जाए, इस तरह से वो बोलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि खाने के लिए क्यों बोलेंगे, हम रनिंग कैसे करेंगे, फिर हाई जंप कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका वेट तब देखा जाता है जब आपका रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप कंप्लीट हो जाता है, जब आप इन सभी में क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका, है ना, आपको गेट पास मिल जाएगा और आपको बोला जाएगा कि जाओ अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपना लाने के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे उस टाइम पे आपका वेट देखा जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि अगर 3-4 केजी कम है तो वहाँ मैनेज हो जाता है, वो नहीं चाहते कि किसी को हम वापस भेजें, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, इतनी मेहनत करके आते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं। इससे भी ज़्यादा कम है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आपको डाइट पे ध्यान देना होगा, आप कांटे वाले चने खाएं है ना, रनिंग के बाद अगर शाम को खा सकते हैं तो शाम को भी खाएं। और आपको अपना वेट बढ़ाने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगा, ठीक है ना, आपका वेट कोई नहीं बढ़ा देगा तुरंत, हम भोजन नहीं कर पाते उतना, खा पाते। कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 2 बार भोजन खाते हैं, या तो एक बार करते हैं, या तो एक बार, कई लोगों को मैंने देखा एक बार वो कुछ कुछ खा लेंगे, पूरा टाइम निकल जाएगा, दिन में एक बार भोजन करेंगे फिर डायरेक्ट नाइट में करेंगे, रात में डिनर करते हैं, है ना। तो ऐसे में आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ने वाला है, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, है ना, प्रॉपर खाना खाना होगा। जैसे कि आपको भूख नहीं लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप पानी ना पिए कम से कम 1 घंटा, है ना। अगर आप खाना खाने से पहले पानी पियेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाएंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोटी खाएंगे, पेट फूल जाएगा, खाने का जी नहीं करेगा, है ना। और क्या होता है, हम जब पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है पेट में, मतलब वो क्रिया खुद नहीं कर पाती है। आप पानी जब अंदर जाता है उस टाइम पर, तो हमें क्या होता है कि वो शरीर जो पाचन क्रिया है वो हम करने नहीं देते हैं, हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपको खाना खाने के 1/2 घंटा 1 घंटा और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। हाँ, 1 घंटा के बाद आपको जितना पानी पीना पियो, क्योंकि पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पानी नहीं पियोगे आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो, आपका शरीर से, बॉडी से पसीना निकल रहा है ना, तो आपको पानी भी पीना ज़रूरी है। नहीं तो दोपहर में भी लंच करें और डिनर भी करें और अच्छा खाना खाएं। जैसे कि खाना तो यार सब खाते हैं, कई लोग चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, यार इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप संतुलित भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं, ठीक है ना,
मैं ये नहीं कह रहा वो सब छोड़ दो, सबका यार खाने का स्वाद है, सब खाते हैं, पर आपको कुछ दिन के लिए अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, तो ही आपका जो है वेट बढ़ेगा। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।